Hello everyone, welcome to Amazon Academy. My name is Nirbhay and today we have Charu ma'am, Asha ma'am and Anu Gupta sir. These are the senior most faculty members from our NEET vertical. And bachcho, aapka NEET 2021 ka exam abhi recently hua tha on 12th of September. Ab uske aage kya karna hai? Humko drop lena chahiye ya apne jo bhi college mein raha wahan pe admission lena chahiye? Various other things कि कैसे drop लेना है तो उसमें क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. So I believe so सभी बच्चों के या parents के भी यहाँ पे बहुत सारे doubt, बहुत सारे queries होंगे and with our senior faculty members who are here हम उन सभी doubts का यहाँ पर आपका solution provide करने की कोशिश करेंगे. So welcome all the teachers over here. Thank you Nirbhay. Thank you everyone. So let's get started with the very first question with Charu ma'am over here. Ma'am, I would like to ask from you, जैसे अभी 12 सितंबर 2021 को अपना नीट का एग्जाम हुआ था और बच्चों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं कि उनके कितने मार्क्स लगभग आ रहे होंगे बेस्ड ऑन देयर अटेम्प्ट्स एक्सेट्रा. आंसर कीज अवेलेबल है ही अपने पास. तो अभी कुछ बच्चे तो काफी खुश है कि हाँ चलो मेरा अच्छा एग्जाम हुआ था, दे माइट गेट द कॉलेज विच दे वर एक्चुअली एमिंग फॉर. बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी निराश हो गए अपने रिजल्ट को लेके या फिर उनका स्कोर जो एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा नहीं जा पाया. यहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा थोड़े से वो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने बच्चे के रिजल्ट को लेकर. तो जो भी रिजल्ट रहा है, आई मीन टू से कि अच्छा रहा है, बुरा रहा है, जैसा भी रहा है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, हाउ शुड स्टूडेंट्स टेक अप दिस रिजल्ट? कैसे उनको इस रिजल्ट को समझना चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट आ गया है और अब हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कि अगले साल या नेक्स्ट ईयर या जो भी ड्रॉप करेंगे या फिर आगे लाइफ में आगे कैसे क्या बढ़ना है. सो हाउ शुड दे टेक अप दिस रिजल्ट? Yes, this is a very valid and a hot question, Nirbhay. And the thing is ki jinka great results aaye hain, of course, congratulations to them. Lekin jinka nahi acha hua, I would say unsatisfactory hai. They are not happy with their result. So, ek choti si cheez hai ki gir kar uthna aur uthkar chalna, yahi zindagi hai. और बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी कि जब वो छोटे थे, जब पहली बार चलना सीख रहे थे, घुटने के बल से खड़े होकर अपने दो पैर पे बाइपीडल हो रहे थे, तो क्या एक बार में चलना सीख गए थे? नहीं ना. तो एक बार गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे. तो वो बच्चे वाली जो इनोसेंस है ना कि जो गिरना है उसको भूल गए. तो यहाँ पे क्योंकि अगर पास्ट को ही याद रख करते रहेंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मूव ऑन करना, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये वाला अटेम्प्ट खराब चला गया, लेकिन इस बार आई विल पुट माय बेस्ट और जो मेरे से पहले गलतियां हुई हैं वो गलतियां नहीं करेंगे. तो आई थिंक वो अप्रोच लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Okay. तो बच्चों को यहाँ पे ये समझना है कि भाई जो पहले हो चुका उस पे आप मिट्टी डालिए और अभी आगे क्या करना है उससे आपने जो पिछले साल की जो गलतियां थी इन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उन गलतियों को सीख के हमको आगे बढ़ना चाहिए, राइट? अब भले आप कॉलेज में एडमिशन लेने का विचार कर रहे हो या फिर आपने सोच रखा है कि मुझे ड्रॉप लेना है, जो भी आपका आगे का डिसीजन होगा. मैं अनु सर से यहाँ पर पूछना चाहूंगा, सर हाउ शुड स्टूडेंट्स बेसिकली डिसाइड कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एंड ड्रॉप लेना चाहिए तो मतलब हु, मतलब कैसे डिसाइड करें कि उनके बेस्ड ऑन देयर स्कोर या बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस प्रिपरेशन कैसा रहा था 12th में या लास्ट ईयर जो भी था, हाउ शुड दे डिसाइड ऑन व्हाट ऑल फैक्टर्स दे शुड डिसाइड कि हाँ मैं ड्रॉप ले सकता हूं या फिर मैं ड्रॉप नहीं लेना है मुझे, मैं आगे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ? हाउ शुड स्टूडेंट डिसाइड दिस पार्ट? सर ग्रेट क्वेश्चन है भाई. एंड नो डाउट भाई, मेरी तो हमेशा एक ही फिलॉसफी रही है एंड दैट इज दैट Today is the first day of the rest of your life. तो अब अगर आज अपने को आगे बढ़ना है, अब जो हो चुका, अब अगर जो हो चुका है उसको लेके, अगर उससे कोई उसको परेशान होके या उसके लिए रोके, अगर कुछ होता हो तो हम सब बैठ के साथ ही रोते हैं. बट द फैक्ट इज दैट डजंट मैटर मच, बिकॉज अब फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि भाई आज हम कहाँ हैं और हमें आगे कहाँ जाना है. नाउ दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन राइट नाउ, जो बहुत बड़ा डिलेमा है बच्चों के मन में अक्सर, जिनके स्कोर उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं या जो अपनी एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो जब भी ऐसे कोई डाउट्स बच्चे पूछे जाते हैं या कोई बच्चे कभी इस तरीके से परेशान होते हैं, तो यूजुअली और मोस्ट इफेक्टिवली जो एक ही बात है जो मेरे मन में आती है और वो ये है कि भाई देखो, सिंपल सी बात है जो मैं उनको भी एडवाइस करता हूँ सभी बच्चों को, कि भाई इट्स जस्ट दैट जब आपने एग्जाम दिया था, व्हेन यू वर टेकिंग द एग्जाम, जस्ट मे बी एक हफ्ते पहले या दो दिन पहले, कहीं ना कहीं आपके मन में एक ख्याल आया होगा या मे बी एग्जाम से निकलने के जस्ट बाद में ख्याल आएगा कि काश मैंने कुछ कर लिया होता. नाउ इफ दैट वर्ड काश समवेयर इट
इट इकोड कहीं आपके मन में, कहीं आपने अपने फ्रेंड्स को बोला, पेरेंट्स को बोला, या हो सकता है आपके मन में खुद के आया हो तो इस, और आपको ये लगता है कि यार नहीं यार मैं कहीं एक जगह चूक गया बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजंस, लास्ट ईयर तो देवर लाइक एन नंबर ऑफ रीजंस स्टार्टिंग फ्रॉम जो नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ साथ अब पेंडेमिक सिचुएशंस थी और ऑनलाइन पढ़ाई है और बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस बच्चों ने किए लास्ट ईयर. तो उस केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं जो कर सकता था ये मेरा 100% तो नहीं है, ठीक है, या मेरा इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको 110% अपना देना है. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकता था, मैं अगर ये चैप्टर पहले से पढ़ लेता, अगर मैंने कुछ मॉक टेस्ट अपने आराम से दे दिए होते, अपने टाइम से उनको फॉलो किया होता, और या फिर मैं जब मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था तो ऑनलाइन पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई ही की होती और इंटरनेट का ज्यादा और दूसरा यूज नहीं किया होता. इस तरीके की अगर कोई भी सिचुएशन अगर आपको लगती है कि आपकी कमी में जो आपका जो कंप्लीट पोटेंशियल है अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हो और आपको लगता है कि नहीं यार एक अगर आपके मन में एक बार भी ये ख्याल आया था ना कि यार 5 दिन और मिल जाते, 10 दिन और मिल जाते, 15 दिन और मिल जाते ना तो मतलब मैं तो आगे लगा देता या कुछ इस तरीके का कर देता, अगर वो लेवल ऑफ जोश अगर आपके मन में कहीं था तो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट. अदरवाइज आप चाहें तो आप कहीं और एडमिशन ले सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अपनी पूरी जान लगा चुका हूं अब शायद इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, प्लीज नोट व्हेन आई से कि आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो सिर्फ आपकी सोच है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपना 110% दे चुके हो, ठीक है, आप जितना दे चुके हैं आप उससे ज्यादा अपने अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो वो बात यह है कि दैट मीन्स आपके दिमाग में कहीं ये बैठा हुआ है कि मैं इससे ज्यादा कुछ करना चाहता नहीं हूं, तो उस केस में आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो. बट द बर्निंग क्वेश्चन इज Do you really think that you gave up your 110%? If yes, it's okay. But if no, and if you can do better, you must try for it because it is definitely worth it. Okay. तो बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आग बची है, आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी आग है to prepare for the next academic session, मतलब आपके लिए तो मतलब next year के लिए NEET 2022 के लिए अगर जोश है और लग रहा है कि हाँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं मचा सकता हूं, मैंने अपना शायद जैसा कि सर ने बोला 100% नहीं, यहाँ पे 110% की बात हो रही है, आपको लगता है कि हाँ यू कैन क्रॉस दैट लिमिट ऑफ योर प्रिपरेशन कि हाँ मैं आप सब कुछ छोड़ के और आपने जो पिछले साल गलतियां करी थी सब कुछ छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल विद अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी बेसिकली फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए मेरे ख्याल से. बट यहाँ पर मैं आशा मैम से मैं पूछना चाहूंगा, मैम काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने क्लास 12th में अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे और अपनी नीट की प्रिपरेशन भी साथ में साथ कर रहे थे, पैंडेमिक का अलग सिचुएशन था और स्कूल्स बंद थे, उनकी मतलब दे वर लाइक यू नो काइंड ऑफ मेस्ड अप बिटवीन द बोथ द थिंग्स कि नीट की प्रिपरेशन भी करनी है, स्कूल का भी बर्डन है और बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जो प्रिपरेशन ऑफ नीट की जो प्रिपरेशन थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतनी अच्छी शायद नहीं हो पाई, राइट, बिकॉज उनके पास दो चीजें पैरेलली चल रही थी. अब बच्चों का यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो शायद स्कूल तो है नहीं, स्कूल का तो अभी खत्म हो चुका है 2022 के लिए जो रिपीटर्स बच्चे हैं यहाँ पर, सो स्कूल नहीं है, बहुत सारा मतलब अभी वो लोड खत्म हो गया, वो पार्ट खत्म हो चुका है. अब बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहूंगा कि बच्चों ने क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही थी क्लास 12th में और अब जब वो रिपीट कर रहे हैं तो हाउ विल दिस स्ट्रैटेजी बी डिफरेंट, क्या कुछ डिफरेंस होता भी है कि नहीं होता है, पहले तो ये बात, और अगर होता है तो व्हाट शुड बी द डिफरेंस इन देयर स्ट्रैटेजी व्हेन दे आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर इन दिस नेक्स्ट एकेडमिक सेशन. राइट, थैंक यू निरुपम फॉर द क्वेश्चन, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी में जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं 12th के साथ साथ, बोर्ड के साथ साथ, और जब वो 12th के बाद प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि आपने मेंशन किया कि जब 12th चल रहा होता है तो उनके पास बोर्ड्स का प्रेशर भी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, स्कूल का बहुत सारा काम होता है, स्कूल का लोड होता है. ऑल्दो नीट की जो प्रिपरेशन होती है वो सीबीएसई के साथ साथ ही चलती है, मतलब बोर्ड्स के साथ साथ ही चलती है, लेकिन बच्चों का माइंडसेट जो होता है और पेरेंट्स का जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी पहले बच्चा बोर्ड पे फोकस कर ले, बोर्ड में बहुत अच्छा परसेंटेज ले आए, उसके बाद देख लेंगे नीट के लिए तैयारी कर लेगा, नीट भी दे ही देगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से दे देना अगली बार. तो ये नॉर्मल सा माइंडसेट होता है जो बच्चों को दे दिया जाता है कि तू बेटा बोर्ड पे फोकस कर ले, यू फोकस ऑन दी बोर्ड्स, अगर बोर्ड्स के मार्क्स नहीं आए तो कुछ यू नो लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी, और बच्चा वो मान भी लेता है और उसी के हिसाब से तैयारी करता है और अपना पूरा एनर्जी जो होता है वो नीट में नहीं लगाता है, मतलब ये काफी कॉमन है.
जो बच्चे लगाते हैं डेफिनेटली वो रैंकर्स भी बनते हैं, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, अब एग्जाम दे चुके हैं राइट, अब ट्वेल्थ पास हो चुकी है, बोर्ड के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, कुछ के एक्सपेक्टेशन वाइज आए होंगे, कुछ के नहीं भी आए होंगे. बट गोइंग फॉरवर्ड अब हमें ये देखना है कि जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी यू नो टुवर्ड्स द पेरेंट्स टुवर्ड्स द बोर्ड्स, वो सब जा चुकी हैं. आपने एक बार एग्जाम भी दे दिया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको हो गया है कि एग्जाम सच में कैसा होता है. सो यू हैव टेस्टेड इट नाउ. अब आपको ये देखना है कि आपने एग्जाम भी दे दिया है, आपने ट्वेल्थ की पढ़ाई भी कर ली है, आपका इलेवंथ का सिलेबस भी थोरो हो गया है, अब आपके पास सब कुछ है जो आपको आगे जाने के लिए चाहिए होता है. नाउ यू हैव टू एनालाइज व्हाट यू हैव डन, जो भी आपने गलतियां की मेन एग्जाम में की, प्रिपरेशन के टाइम पर की, और वो सारी गलतियों को आपको साथ लेके ये एनालाइज करना कि ये सब मैं कर चुका हूं, ये सारी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से मेरा नीट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया. अब वो सब इकट्ठा करके सारा एक्सपीरियंस लेके आपको पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि अब बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, अब आपको स्कूल नहीं जाना है, अब आपको यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो आपके पास एक ही प्रेशर है आई वुड से, जो है वो सिर्फ ये है कि आपके साथ वाले जो फ्रेंड्स हैं, जो यू नो पीयर्स होंगे, जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों के रिजल्ट अच्छे आ गए होंगे इसलिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, और कुछ लोगों के नहीं भी आए होंगे लेकिन शायद उनमें वो फायर पावर नहीं बची जो सर बता रहे थे, तो उन्होंने मान लिया कि नहीं यही मेरा बेस्ट था तो मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेता हूं. आप क्योंकि उनमें नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अभी भी अच्छा करना है और मैं करना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आप उसमें से अपने आप को बाहर ले आए कि कुछ लोग आगे चले गए हैं लेकिन आपका शायद जो गोल है वो थोड़ा अलग है, उसके साथ पूरी एनर्जी अगर आप लगा दें, अच्छे मेंटर्स ढूंढें, क्योंकि अब आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपने अपने हिसाब से जैसा भी करना था प्रिपेयर करना था वो कर लिया है, नाउ आई थिंक यू नीड पीपल हु कैन गाइड यू फॉर योर बेस्ट एंड देन यू शुड डिसाइड कि नहीं अब ये मेरा मतलब आई वुड नॉट से लास्ट अटेम्प्ट है, आप हमेशा दोबारा ट्राई कर सकते हैं, एक साल आपको और भी मिल जाएगा, बट आई वुड से कि आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कि नहीं मुझे एक मौका मिला है और मैं इसे अच्छे तरह से इस्तेमाल करूंगा और जो मेरा ड्रीम कॉलेज है, जो मेरा बेस्ट चॉइस है, जहां मैं जाना चाहता था वहां मैं जाऊंगा, तो आई थिंक आप पूरा फोकस जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं. Okay, so diving deep into the preparation strategy वाला part, चारू मैम, I would like to ask from you, basically क्या होता है, जो dropouts बच्चे होते हैं, at least they have gone through the entire syllabus of class 11th and 12th, जो भी उनके NEET का syllabus होता है, अब उनको वहाँ शुरू से वापस से basically अपने पढ़ाई start करते हैं 11th के topics को, 12th के topics को, जो कि वो already एक बार तो पढ़ चुके, तो basic stuff तो उनको आता ही है, majority of the बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो. तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी में बात करूं कि दो तीन चीजें होती है, जैसे कि थ्योरी होती है, प्रैक्टिस होता है और टेस्ट होता है, राइट? तो बच्चों को किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हाउ शुड दे डिसाइड कि अब मेरे को इस वाले चैप्टर पे ज्यादा थ्योरी पे अपना ध्यान देना है या ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है या ज्यादा टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, हाउ शुड द स्टूडेंट्स डिसाइड दिस पार्ट, या उनको कुछ इससे एसोसिएटेड कुछ स्ट्रेटेजी होती है क्या, हाउ विल यू गाइड द स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट? चारू मैम. ये क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर्टेनली. तो इसमें जो बच्चे ट्वेल्थ पास करने के बाद आते हैं तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगा अनडाउटेडली. एज फार एज मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में थ्योरी पार्ट ही है और थ्योरी से ही घुमाकर क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज का हेर फेर होता है, तो थ्योरी बहुत कॉन्सेप्चुअली बच्चे की स्ट्रांग होनी चाहिए. तो अगर वो क्योंकि अभी तक उन्होंने अगर उस तरीके से नहीं पढ़ा है कि एमसीक्यूज में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक होता है कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए आंसर लिख रहे थे वो अप्रोच अलग है, एमसीक्यू के लिए पढ़ना थोड़ा अप्रोच अलग है. एमसीक्यू में बिल्कुल आई फील कि कहीं भी ग्रे एरिया नहीं होता है, आपको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए. तो आई थिंक सही टेस्टिंग ऑफ एनीबॉडीज इंटेलिजेंस एमसीक्यूज देते हैं. तो अब वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तभी अच्छी होगी, क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हो कहते हैं कि उन्होंने कोई गाइड उठाई, कहते मैम हमने क्वेश्चन करे और जो आंसर नहीं आते थे उनको याद कर लिया. सो वो उसको रेट्रोग्रेड टीचिंग हम लोग कहते हैं या रेट्रोग्रेड लर्निंग कहते हैं. तो वो रेट्रोग्रेड लर्निंग से क्या हुआ कि अब गाइड में आंसर गलत था, आपने गलत आंसर या लर्न कर लिया, तो फायदा तो नहीं हुआ ना कुछ भी. तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अगर आएगा ना तो उससे रिलेटेड 10 तरह के क्वेश्चन बच्चा सही करेगा. तो मेरा मानना है कि थ्योरी एक बार जरूर थोरो करनी चाहिए. ये जरूर है कि उनको हो सकता है कम टाइम लगे, कुछ चैप्टर्स उनको आते हों, बहुत अच्छे से आते हों आई फील, तो उसमें वो बहुत कम टाइम लगा सकते हैं. लेकिन जो चैप्टर्स थोड़े ज्यादा इनडेप्थ वाले हैं, और दूसरी बात जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन आता है और उसमें पूरी एनर्जी लगा दी, कोई फायदा नहीं है ना. तो जो
वेटेज वाइज जो इम्पोर्टेंट है और बहुत उसमें कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर उनकी प्रैक्टिस पे जाना चाहिए. तो दैट इज व्हाई, और फिर वन शुड ऑफ कोर्स गो फॉर द टेस्ट, है ना, दे शुड राइट द टेस्ट, फिर उस टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस हो. तो इसको मैंने एक सिंपल सा, जैसे न्यूमोनिक्स हम लोग इतने बताते हैं बच्चों को कि ऐसे लर्न करो वैसे लर्न करो, तो इसको भी आई कैन पुट इट एज SPTA, दैट इज स्टडी द टॉपिक, देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, राइट अ टेस्ट, एंड देन ऑफ कोर्स गेट द टेस्ट एनालाइज्ड. थ्योरी पढ़ी होगी, प्रैक्टिस किया होगा, शायद टेस्ट भी दिया होगा, राइट. बट इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर टेस्ट आफ्टर द टेस्ट, राइट, आप अगर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर रहे और उनसे अगर आप सीख नहीं रहे कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए ताकि हम उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें, तो अगर वो एक्सरसाइज आपने अगर मिस करी तो डेफिनेटली आपको वो इस साल करने की जरूरत है. मूविंग अहेड विद दिस पार्ट, दिस वाज अबाउट व्हाट बायोलॉजी बेसिकली, जो चारू मैम ने हमको यहाँ पर बताया. अनु सर, देयर इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स ओवर हियर, कि काफी बच्चों का सिलेक्शन या अच्छा मार्क्स इसलिए नहीं आता है बिकॉज ऑफ फिजिक्स में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. ये बहुत ही डरावना सा सब्जेक्ट है, नाइटमेयर आता है बच्चों को जब भी वो फिजिक्स के अच्छे बड़े न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिक्स जहां पे इन्वॉल्व हो जाती है ना बच्चों की, जब मेजरली बच्चों ने मैथ्स लिया नहीं होता है, जो 11th 12th में होते हैं काफी बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया होता है, उनको लगता है कि फिजिक्स के बच्चे बायो लेते हैं और शुरू से प्रोसीड करते, उनका मैथ्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिजिक्स में तो मैथ्स होती ही है. ऑल्दो फिजिक्स में मैथ्स का उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो स्टिग्मा रहता है कि ये फिजिक्स का हाथ कांपने लगते हैं बहुत सारे बच्चों का. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि हाउ शुड द स्टूडेंट्स ओवरकम द फियर ऑफ दिस फिजिक्स, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. दूसरा है कि फिजिक्स के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, किस पे ज्यादा फोकस करेंगे बच्चे? जी सर, ग्रेट एंड बर्निंग क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स. भाई फिजिक्स का क्या करें, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया इस चीज को एक्सप्लेन करना, नो डाउट होता क्या ही, मतलब लेट्स जस्ट स्ट्राइक द रूट. सीधी सी बात है, कई सारे जो बच्चे होते हैं जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जो जिन्होंने बायो ऑप्ट करी है, उनमें से कुछ तो कम से कम ऐसे होते ही हैं जिन्होंने ये ऑप्ट ही इसलिए करी थी क्योंकि मैथ्स नहीं लेनी थी. ठीक है, वो मैथ्स के प्रति उनका जो विशेष लगाव होता है उसके चलते वो दे ऑप्ट फॉर बायो. अब वो मैथ्स से पीछे छुड़ाने के लिए एक तरीके से आप वहां गए या नहीं भी गए जो भी है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि 10th क्लास की मैथ्स और 11th 12th की मैथ्स में बहुत फर्क है. ठीक है, एंड देयर इज अ ह्यूज पार्ट कॉल्ड कैलकुलस, जो कि जिसका सीवी नहीं पढ़ा होता बच्चों ने 10th क्लास तक, कुछ नहीं पता होता उनको कैलकुलस के बारे में. अब क्या होता है कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम कैलकुलस आती है, काम आता है फिजिक्स के अंदर, प्रॉब्लम यह है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो पहला चैप्टर ही है काइनेमेटिक्स या जो 11th के जो भी पहले चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर कैलकुलस का काफी अच्छा खासा यूज होता है. उसके बाद भले उतना यूज ना हो लेकिन शुरू शुरू में काफी अच्छा यूज होता है, जिसकी वजह से एक काइंड ऑफ एक स्टिग्मा जो आप बता रहे थे वो जनरेट हो जाता है बच्चों के मन में कि यार अब यार ये सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है. एंड इट्स अ विशियस सर्कल आफ्टर दैट. आप पढ़े, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आप होमवर्क नहीं करेंगे आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, स्कोर खराब आएगा और पढ़ने का मन नहीं करेगा, और परफॉर्मेंस खराब होगी और स्कोर खराब आएगा, तो एंड दिस एक्चुअली गोज डाउन. तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ व्हाट इज ऑल अबाउट द स्टिग्मा ऑफ फिजिक्स. अदरवाइज देखा जाए तो फिजिक्स तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. ठीक है, मतलब चारों तरफ दिखने वाली चीजें हैं, आप हर जगह फिजिक्स ढूंढ सकते हो, बट ऑब्वियसली बायो भी है और केमिस्ट्री भी है, सभी सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन किसी भी फिनोमिना को आप फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब रही बात, चलो ठीक है वो तो प्रैक्टिकलिटी हो गई, सर टैकल कैसे करना है? देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहली बात तो डरना, तो सबसे पहले डर खत्म करना है. डर खत्म करने का सिंपल सा तरीका है, व्हेनेवर यू फाइंड अ क्वेश्चन जस्ट थिंक दैट ये क्वेश्चन आपके लिए ही बना है. ठीक है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये, आपकी क्लास के हिसाब से ये, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई रॉकेट साइंस पढ़ाई जा रही है, एंड दैट मीन्स यू कैन डू इट. और फिजिक्स में मैं एक बात ये कहूंगा कि इट्स मोर अबाउट मतलब जैसा अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, अगर आज मैंने आपको F इक्वल टू MA बता दिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप F इक्वल टू MA बता दिया तो न्यूटन्स लॉज के सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे. सो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, और प्रैक्टिस भी इसमें दो आस्पेक्ट आते हैं प्रैक्टिस के, क्वांटिटी एंड क्वालिटी.
क्वांटिटी मीन्स भाई मेरा ऐसा मानना है कि द लेवल ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी जो रिक्वायर्ड है नीट क्लियर करने के लिए, उसके लिए आपको डेली कम से कम 30-40 क्वेश्चंस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके न्यूमेरिकल्स, नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स, वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए. अटेम्प्ट, आई सेड अटेम्प्ट, नॉट सॉल्व. सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी छोड़ना नहीं है. सेकेंड थिंग इज क्वालिटी. क्वालिटी के ऊपर मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, फिजिक्स में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने, आपको नहीं पता था उसके बारे में, आपने उसके चार ऑप्शन पढ़े एंड आपने पीछे मुड़ के देखा आंसर क्या है, हाँ ठीक है ये आंसर है, ओके आज के बाद याद कर लेना, जैसे कि चारू मैम ने बताया. चलो एक बार को थ्योरी वैसे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो एक बार को आपने थ्योरी इस तरीके से निकल भी ली, बट वॉट अबाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आप डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है, कुछ भी वहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप डायग्राम, ग्राफ, सर्किट डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जिस भी तरीके जो भी डिपेंड ऑन द चैप्टर, आप डायग्राम जरूर बनाओ, क्योंकि और सारा डेटा जो है वो आप लिख के रख लीजिए साथ में. आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट है वहां पे, आप पहले आप पिन पॉइंट करने की कोशिश करो कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं ये, उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद आ रहे हैं, और फिर उसको आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. और अगेन कैलकुलेशन इज ऑलवेज, इट ऑलवेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पता चला आपने सब कुछ किया फिर उसके बाद 2+3=6 करके आ गए, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ कोर्स. तो सिली मिस्टेक से आपको बचना ही है. अच्छा एक और चीज फॉर्मूले के बारे में, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सर आप डेरिवेशन छोड़ो सर, हमको तो हम खासकर जो रिपीटर्स है, क्योंकि सर हमको बोर्ड तो जाना नहीं है हमको, तो आप तो सर एक बात बताओ, बस फॉर्मूला बता दो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम खट से लगा के आ जाएंगे. और उसमें अक्सर ये होता है कि बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं. तो व्हाट आई रिकमेंड इज, इसकी इस पूरी चीज का एक ही इलाज है, और वो ये है कि प्लीज आप कहीं फॉर्मूले किसी कागज पे फॉर्मूला शीट रख के आपने चिपका ली, इस तरीके के काम ना करें, ठीक है. सिंपल सा है, आप अपने दिमाग पे जोर डालें, आप कोशिश करें कि जब भी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आप किसी बुक से या किसी किताब से या किसी चार्ट से फॉर्मूला नहीं देखेंगे, यू विल डिराइव इट देन एंड देन. उस टाइम आपको, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर कितनी भारी बात बोल दी, हर बार फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट ट्रस्ट मी आपको दो बार से ज्यादा फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब आप फॉर्मूला डिराइव करते हो बहुत सारे लॉजिकल सर्किट जो है आपके दिमाग के वो कनेक्ट हो जाते हैं. उससे दो बातें होती है, एक तो आपका फॉर्मूला आराम से याद हो जाता है, दूसरी बात यह है कि उसके लिए जो भी इन्वॉल्व कंडीशंस हैं वो भी आपको याद रहती है कि ये वाला फॉर्मूला कब कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है. सो तो प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले डिराइव करने हैं, और प्रैक्टिस करते रहे, आंसर्स लगातार नहीं देखते रहने हैं. जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एटलीस्ट 5-10 मिनट आप क्वेश्चन को दें, फिर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाता है तो आप डाउट तो क्लियर कर ही सकते. तो बच्चों सर ने यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स बताए, बहुत सारी बातें बता दी है, अगर आप उन सभी चीजों को फॉलो करेंगे डेफिनेटली अनु सर के साथ, तो आई बिलीव सो कि आपका इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही जाएगा और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, और वो जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म जरूर से होगा. तो जो सर ने बातें बताई, ट्राई टू फॉलो ऑल ऑफ दोस थिंग्स. आशा मैम, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, जैसे काफी बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि चलो उनको ड्रॉप लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों का मान लेते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है नेक्स्ट ईयर 2022 में, सो क्या होगा फिर, हाउ शुड दे टेक दैट थिंग एज, एंड इज इट रियली वर्थ टेकिंग अ ड्रॉप दिस ईयर? ऑलराइट, थैंक यू निर्भय फॉर द क्वेश्चन. आई वुड फर्स्ट लाइक टू शेयर एन एग्जांपल फ्रॉम द रीसेंट पास्ट. लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था ऑफलाइन में, तो व्हेन वी मेट तो उससे बात हुई कि कैसा आपका परफॉर्मेंस था, कैसा आपने किया, तो ही मेंशन टू मी कि मेरे 39 मार्क्स आए केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180, और मुझे केमिस्ट्री में कुछ खास समझ में नहीं आता है, मतलब आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मुझे पता नहीं चलता है कि उसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे क्या करेंगे. तो उसने 1 ईयर के कोर्स में एडमिशन लिया था, बट ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्टिल, उसको आता नहीं था, बट ही वॉज लाइक कि अगर मुझे कोई हमने उसे पूछा कि क्या आप सच में सीखना चाहते हो, आपका कैसा इंटरेस्ट है, तो उसने बोला कि हाँ मुझे अच्छा लगता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, आई एम नॉट एबल टू एनालाइज दिस थिंग्स. आप मानोगे नहीं, हमने एक साल मतलब साथ में पढ़ाई की है ड्रॉपर बैच में, और जब उसके बाद उसने दोबारा मतलब अटेम्प्ट किया, उसने एग्जाम दिया, ही वॉज एबल टू स्कोर 150 इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट.
ठीक है okay. और उसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट यस इन केमिस्ट्री यस 150 इन केमिस्ट्री उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उसके पेरेंट्स आए, उनसे बात हुई एंड दे वर लाइक सो हैप्पी कि यू नो एंड दैट वाज आई वुड जस्ट से कि बिकॉज आप क्या कर सकते हो वो आपको कभी कभी खुद भी पता नहीं होता है okay. तो ये जो पहले से हम डिसाइड करके रख लेते हैं कि क्योंकि इस साल हमने बहुत अच्छा नहीं किया, हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए अगले साल भी ये खराब ही हो जाएगा, ये जो दिमाग में बिठा रखा होता है इसको आई थिंक यू शुड लेट गो, है ना. आपको एक बार अपने आप को एक चांस देना चाहिए ताकि आप सीख सको, आप यू नो अच्छा कर सको. क्योंकि हो सकता है कि आपने शायद इसलिए परफॉर्म नहीं किया क्योंकि आप अपने बेस्ट माइंड्स में नहीं थे, बोर्ड्स पे आपका ध्यान ज्यादा था, आपने पूरी एनर्जी उसके ऊपर नहीं लगाई, और इसलिए भी क्योंकि आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, आप उन मेंटर से नहीं मिल पाए जो आपको राइट डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते थे जिससे आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आता. एग्जाम्पल लेने का जो पर्पज था वो सिर्फ ये है कि ऐसा रियल लाइफ में होता है कि बच्चे एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन विद गाइडेड यू नो विद एनालिसिस विद टेस्ट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग दे आर एक्चुअली एबल टू डू वेरी गुड. तो मुझे लगता है कि इसीलिए आपको अपने आपको एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए एक अच्छा सा चांस देना चाहिए. हैविंग सेड दैट, फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद पेपर उतना आसान नहीं आए, शायद जो आप पिछली बार कर पाए थे वो आप इस बार नहीं कर पाए, तो फिर भी ऐसा हो सकता है डेफिनेटली कि इतना सारा कुछ करने के बाद, अपना सारा बेस्ट देने के बावजूद भी आप शायद उस कॉलेज में नहीं जा पाए जहां पे आप जाते थे. बट आई वुड स्टिल लाइक टू से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. ए, जो रिजल्ट आपने पिछले साल दिया है उसे पलट पाना पॉसिबल है, आप उसे बहुत अच्छा कर सकते हो, ये एक चीज है. दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, सिलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन जो होता है वो उन बच्चों का होता है जो ड्रॉपर्स होते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं और जो प्रिपेयर करते हैं. तो ये जो डेटा है, जो एनालिसिस है, ये अवेलेबल है, मतलब आप ये देख सकते हो, सो विच इज देयर. तो इसीलिए भी आपको अपने आपको एक चांस देना चाहिए. बट अगेन हैविंग सेड दैट, फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी इट इज अ चांस, इट इज अ चांस दैट यू शुड टेक. लेकिन चांस में हमेशा पॉजिटिव भी रिजल्ट्स आ सकते हैं और नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकते हैं. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शायद आप फिर भी वहां नहीं पहुंचे. बट आई वुड से लाइफ इज अ लर्निंग. तो आप जब ये ड्रॉप करेंगे भी तो भी आपको अपने बारे में, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, सिचुएशंस जब डिफिकल्ट होती हैं आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब आपको अपने बारे में सीखने के लिए मिलेगा. जी, जी. तो हो सकता है कि आप मेडिकल कॉलेज में ना जाएं, आप लाइफ में कुछ और करने के बारे में सोचें, एंड देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स व्हिच आर ओपन. बट इवेंचुअली आप ये सीख पाते हैं कि मैं जब इतनी खराब सिचुएशंस में होता हूं, जब मैं वो नहीं पा पाता हूं या नहीं पा पाती हूं जो मुझे चाहिए होता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो अपने आपको कैसे कैरी करते हैं, कैसे मोटिवेटेड रखते हैं और कैसे आगे जाने के लिए आप सोचते हैं. तो मुझे लगता है इट इज डेफिनेटली वर्थ, आपको एक मौका देना चाहिए और इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो वो ना हो. बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू सम लर्निंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. Agreed with all of your points, ma'am. I think so. एक यहाँ पर बच्चों को ये भी रहता है कि future में कभी उनको regret नहीं होगा कि शायद मैं एक साल और prepare कर लेता तो मेरा result improve हो जाता और आज मैं कहीं और होता, right? तो शायद वो regret नहीं रहेगा. तो इसलिए बच्चों आप लोग drop, अगर आप अगर ready है तो definitely take a drop. And I'm pretty sure जो ma'am ने insights बताई है यहाँ पर वो आपके लिए definitely useful होगा. So अनु सर, one last message from your side अपने बच्चों के लिए कि किस तरह से अपनी उनको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है, क्या उनको चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू कन्वे टू आवर स्टूडेंट्स. वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड इज दैट अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं, खासकर ड्रॉप कर रहे होते हैं, वो एक दो साल उन्होंने कोचिंग की हुई है या कोई कोर्स किया हुआ है, उनके अक्सर मन में ये आता है या उनके पेरेंट्स कभी कभी ये इस तरीके की कोई गाइडेंस उनको मिलती रहती है कहीं ना कहीं से कि भाई तुम्हारे पास पूरा मटेरियल तो है ही सही, तुम्हें पता है कोचिंग में क्या क्या होने वाला है, तुम्हें पता है कोर्स में क्या क्या होने वाला है, तो बस घर बैठो और पढ़ाई कर लो जी. ठीक है, तो आई वुड रियली मतलब वुड लाइक टू से एट दिस पॉइंट कि भाई ऐसा प्लीज ना करें. रीजन बीइंग होता क्या है कि देखो अभी ठीक है, आज हो सकता है हमारा जोश बहुत हाई है, लेकिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद क्या होता है कि गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है. ठीक है, फिर एकदम से मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम रखा है, अभी तो मैं ये भी कर लूंगा. बट प्लीज नोट, टाइम जरूर हो सकता है आपके पास, पर आप इस बात को समझो कि कोर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है. मतलब दो बायो, मतलब मैं तो मानता हूँ तीन केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, इतनी सारा सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों, तीन केमिस्ट्री दो बायो, इतना सारा कोर्स है आपके पास, इतना सारा चीजें आपको जो कवर करनी है, दो साल की पढ़ाई करनी है. तो दैट कैन नॉट बी डन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि चल ठीक है यार आज ही तो कल कर लूंगा. ठीक है, तो मतलब यू हैव टू बी परसिस्टेंट and you have to keep pushing your limits right from the first day. और इसलिए what I recommend is that you must join some structured course.
सो दैट आपको वहां पे एक डेली बेसिस पे आपको आपकी क्लासेस हों, आपको होमवर्क मिलता रहे जिसे आप फॉलो करेंगे, आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिलनी चाहिए. और खास बात यह है कि यू हैव टू गेट टेस्टेड आफ्टर एवरी लाइक 15 डेज और मे बी इफ इवन एवरी वीक, दैट वुड बी ग्रेट. आपकी जो टेस्टिंग है, आप जो पढ़ रहे हो उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, आप कहाँ पर हो, उसे भी हमें बहुत ज्यादा लगातार मॉनिटर करने की जरूरत होती है. सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि जोश इज ऑल गुड, बट प्लीज नोट दीज ऑल मोटिवेशन थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली डाई आउट, दे मे डाई आउट इन मे बी 15 डेज और वन मंथ. तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस चक्कर में हमारा पूरा साल एक बार फिर से, मतलब जैसा हमें डर है कि वो साल खराब नहीं हो जाए, वो सही में खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए जस्ट कीप इन माइंड दैट यू मस्ट फॉलो सम स्ट्रक्चर्ड कोर्स. सो दैट्स इट. सो विद दीस नोट्स, जैसा सर ने अभी यहां पर बताया कि अपना सेल्फ मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है बच्चों फिजिक्स के ओवरऑल सेशन में, जो हमने देखा अभी यहाँ पर, कि अगर आपको ओवरऑल इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, इफ यू आर नॉट सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ मोटिवेटेड टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, तो शायद आप गलत डिसीजन लेंगे ड्रॉप करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आग होनी चाहिए, और अपना जो जो अपना जो जो जितना आप डिलीवर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो 100% से ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि सर अनुसार ने पहले भी बताया. एंड अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आप उसको फॉलो करें, ताकि आपको एक गाइडेंस मिलती रहे थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन कि कब क्या चीज पढ़नी है, कब थ्योरी पढ़नी है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब टेस्ट देना है, कब हमको क्या चीजें करनी है, राइट. सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू अनाउंस द ड्रॉपर्स बैच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट 2022 बाय Amazon Academy इन विच इज प्रेजेंट इन अवर कोर्स वेबसाइट एज वेल एज इन द ऐप. यू कैन जॉइन द इंग्लिश बैच एज वेल एज द इंग्लिश बैचेस ओवर हियर in collaboration with Sri Chaitanya faculty members, we have also launched the English batches for all of you guys. So, bachcha, aap us courses mein zarur se enroll kar sakte hain. Wahan par aapki test, live lectures aur practice, tino aspects ka bahut acche se dhyan diya jayega, right? As you can see in the dashboard in the Amazon Academy. So, with this note, I would like to, you know, give all the best to all the students over here who are going to prepare for NEET in the next academic session with Amazon Academy. As well as thank you all the faculty members over here, Charu ma'am, Asha ma'am and Anu sir. Yehi sare faculty members bachcho aap logon ko padhane wale hain, right? Jo abhi aap yahan tak hamare sath dekh rahe hain. So why not, why wait and join ASAP, join as soon as possible the batches. Okay, so thank you all the teachers over here for giving us your time and with this very important discussion. I'm pretty sure ki isse bachchon ka hi nahi, parents ko bhi bahut acha guidance mila hoga ki aage unko kaise kya apne bachchon ki preparation karni hai. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you.